राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सार सर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर जांजगीर से। जिले के ढबरा में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के आह्वान पर ढबरा तहसील मुख्यालय में सदैव किसानों के हित के लिए काम करने वाली भाजपा राज्य के किसान को मृद समृद्ध राष्ट्र खुशहाल किसान बनाना चाहती है। विगत 2.5 वर्षों से राज्य के कांग्रेस सरकार के अकर्मण्यता के कारण प्रदेश के किसानों को बिजली से लेकर खाद की कमी व धान खरीदी के समय वरदान के विकट परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। सरप्लस बिजली वाले राज्य छत्तीसगढ़ से लगातार अघोषित बिजली कटौती चल रही है और राज्य सरकार ने अब तो बिजली की दर में भी बढ़ोतरी कर दी। यह बढ़ोतरी दुखद और चिंताजनक है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ढबरा तहसील के तीनों मंडल ढबरा, कौटमी और चंद्रपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा किसान हित को ध्यान में रखते हुए 6 बिंदुओं की मांग, प्रदेश के अल्प बारिश वाले विकास खंडों को जल्द सूखाग्रस्त घोषित करना, कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र अनुरूप किसानों को उनके 2 साल का बकाया बोनस प्रदान करने, अघोषित बिजली कटौती पूर्णतः बंद हो और बढ़ी हुई बिजली दर को कम करने, स्थानीय पंप कनेक्शन हेतु किसानों को तत्काल अनुमति प्रदान करने, सोसाइटियों में खाद के नियमित आवक बनाने व खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने, 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने व बारदाने की उचित व्यवस्था खरीदी के पूर्व सुनिश्चित करने आदि मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार ढबरा के ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गोविंद चंद्रपुरिया, जिला महामंत्री कन्हैया गोयल, जिला उपाध्यक्ष कमलेश चांगड़े, कोटमी मंडल अध्यक्ष पीताम्बर पटेल, ढबरा मंडल के सह प्रभारी धर्मपाल राठौर, कार्यक्रम के प्रभारी किसान मोर्चा चंद्रपुर के अध्यक्ष चंद्र कुमार पटेल सह प्रभारी रहे, वहीं तीनों मंडलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उम्मीद करता हूँ हमारा आवाज बहरा सरकार तक अवश्य पहुँची। यहाँ बहुत सारा वक्ता है, अच्छा कहा कि आप ऑडियो में ध्यान देता हूँ। यह हमारा आशी अग्रवाल जी, चंद्रपुर के मंडल रुद्र मिहर जी और किसान मोर्चा के समस्त अध्यक्ष और यहाँ के उपस्थित हमारे भाजपा के छतरी आजाद जिंदाबाद। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में तीनों मंडल के समस्त पदाधिकारी, किसान मोर्चा के समस्त सदस्य और भाजपा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से खाद की कमी, जहाँ सोसाइटी में नहीं मिल रहा है और व्यापारी के पास कालाबाजारी चल रहा है, 1 बोरी 600-700 रुपए में व्यापारी बेच रहे हैं, इस कारण से हम लोग आज एक दूसरे धरना प्रदर्शन किए और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन तहसीलदार जी को दिए हैं। धरना प्रदर्शन में थे और हमारे किसान भाई लोग को अभी बहुत सारे परेशानी हो रही, इसलिए हम लोग पूरा ब्लॉक में हमारे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई लोग को अभी खाद वाद बहुत परेशानी हो रहा है, बिजली के आए दिन कटौती हो रहा है, इसके लिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में उपस्थित थे। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज उपस्थित थे, हमारे चारों मंडल के मंडल अध्यक्ष जी थे, हमारे जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सभी के मौजूदगी में आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ के सभी तहसीलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है और हमारे 6 बिंदु के मांग हैं, जिसको हमने अभी तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है। 6 बिंदुओं में प्रमुख रूप से जो खाद की कमी और जो कालाबाजारी है, दूसरा कि बारदाने की कमी हर हमेशा धान खरीदते समय हो जाती है, तीसरा हमारा 1 नवंबर से किसान भाइयों को धान की खरीदी चालू करने बाबत, तथा 2 साल के जो बोनस किसान कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था कि हमारे सरकार आते ही किसानों को 2 साल के जो बोनस बकाया है वो देंगे, उसकी मांग है। चौथी जो अघोषित बिजली कटौती, अभी आप देख ही रहे हैं, अभी तहसील मुख्यालय जैसे जगह में 2 घंटे के भीतर कम से कम 7-8 बार बिजली का चले जाना, ये ही अघोषित बिजली है।
उसके साथ साथ अभी कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि की गई है। ये सभी मांग को लेकर हमने अभी SDM महोदय और तहसीलदार जी को राज्यपाल महोदय के खबर जांच की से।